हेलो फ्रेंड, आई एम पटेल सर, संकल्प। नाउ स्टार्ट सेक्शन ए कंटिन्यूस। हमने अगले वीडियो के अंदर 1 to 14 तक हमने एक्सप्लेन किया था, अभी हम 15 नंबर एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15, इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन द रेशियो 1:1:2 रिस्पेक्टिवली, the largest angle being the C, then value of A cosec A upon cosec B minus 10 A upon cot B equal to dash. Here option is given. So answer is A. In triangle ABC, angle A, ratio angle B, ratio angle C equal to 1:1:2. This is given. Therefore angle A equal to K, angle B equal to K, angle C equal to 2K, K not equal to 0. We have suppose the constant K, हमने K suppose किया। हम जानते हैं कि angle A plus angle B plus angle C कितना होता है, 180. तो K plus 2K equal to 180, 2 plus 2 4K equal to 180, therefore K equal to 180 upon 4, 14, 4 जा 45, 4 जा 180, तो k इक्वल टू कितना मिला, 45। हमने पहले k फाइंड कर दिया, पर हम जानते थे कि एंगल a इक्वल टू k था, k इक्वल टू 45, एंगल b इक्वल टू k था तो 45, एंगल c 2k तो 2 × 45 मीन्स 90। नाउ वी हैव टू सॉल्व sec a अपॉन cosec b माइनस 10 a अपॉन cot b पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, sec 45 cosec 45 10 45 cot 45 1/√2/√2 1 तो √2/√2 तो 1 1 − 1 इक्वल टू 0। therefore sec a upon cosec b minus 10 a upon cot b equal to 0। now we start question number 16। in triangle abc such that ab equal to 3 cm, bc equal to 2 cm, CA equal to 2.5 cm. If triangle ABC similar triangle DEF, if EF equal to 4 cm, find the perimeter of triangle DEF. Option is given. Here answer अपने को कितना मिला, 15. अब ये solution start करेंगे. In triangle ABC, AB equal to 3, BC equal to 2, CA equal to 2.5. Now perimeter of triangle is given. AB plus BC plus AC equal to 3 + 2 = 5, 5 + 2.5 = 7.5 cm. Triangle ABC similar triangle DEF is also given, and EF value of EF is given. The perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF equal to BC upon EF. ये क्या है, फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने कितना फाइंड कर दिया, 7.5 कर दिया। तो 7.5 अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू BC इक्वल टू 2, EF इक्वल टू 4, तो 2 1 = 2 2 = तो 7.5 × 2 इक्वल टू 15। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू 15 cm। हमने यहाँ क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 7.5 × 2 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, therefore पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू 7.5 × 2 मीन्स 15 आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन द फिगर इफ DE पैरेलल BC, AD इक्वल टू 3, BD इक्वल टू 4, BC equal to 14, find EF. Option is given. So answer is B, 6. In triangle ABC, DE parallel BC, AB equal to AD plus BD equal to 3 plus 4. AB कितना हो गया, 7. अपने को क्या दिया हुआ है, triangle AD is similar triangle ABC by angle. A angle equal to common angle. A angle equal to A angle. Therefore, angle-angle similarity. Therefore, AD upon AB
डी ई अपॉन बी सी। हमने क्या किया, अभी ए डी की वैल्यू 3 हम जानते हैं, ए बी की वैल्यू भी 7 जानते हैं, हमने फाइंड कर दी। डी ई अपॉन 14 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 7, 7 टू जा 3, 2 जा 6, देखो अपने को क्या मिला आंसर, डी ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिला। तो हमने क्या फाइंड कर दिया, डी ई इक्वल टू। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ 4 टेन बीटा इक्वल टू 3, देन 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा अपॉन 4 साइन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा इक्वल टू डैश। हियर ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर इज ए 0। सॉल्यूशन हमको क्या दिया हुआ है, 4 टेन बीटा इक्वल टू 3, देयरफॉर टेन बीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4 हो गया। टेन की वैल्यू है साइन बी अपॉन कॉस बी, 3 अपॉन 4, देयरफॉर साइन बी इक्वल टू 3 के, 4 बी इक्वल टू 4 के नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन बी माइनस 3 कॉस बी अपॉन 4 साइन बी प्लस 3 कॉस बी। हम अभी क्या कर गए, हम साइन बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 4 3 जा 12 के, माइनस 4 3 जा 12 के अपॉन 12 के प्लस 12 के, 12 के माइनस 12 के तो 0 अपॉन 24 के, 0 अपॉन समथिंग मीन्स 0, ये पर 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा अपॉन 4 साइन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, हम सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। अभी हम सेम सम सेकंड मेथड से हम ट्राई करेंगे। 4 टेन बीटा इक्वल टू 3 अपने को दिया हुआ है, देयरफॉर 10 बीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 साइन बी माइनस 3 कॉस बी अपॉन 4 साइन बी प्लस 3 कॉस बी। अभी 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय कॉस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 4 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, 3 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा, 4 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 3 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा, कॉस बीटा कैंसल, साइन अपॉन कॉस 10 बीटा, तो 4 टेन बीटा माइनस 3, 4 टेन बीटा प्लस 3, वैल्यू ऑफ 10 बीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो 4 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 3, 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 4 कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3 6, 0 अपॉन 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमको आंसर मिल गया 4 साइन बी माइनस 3 कॉस बी अपॉन 4 साइन बी प्लस 3 कॉस बी इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, सेकंड मेथड से सम किया। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 2, द सेकंड इक्वेशन कैन बी डैश। ए बी सी डी ऑप्शन इज गिवन, तो ये आंसर आपको क्या मिलेगा, डी 10x माइनस 12y 14y माइनस इक्वल टू माइनस 4। अपने क्या दिया हुआ है, तो माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10x, 7 2 जा 14y, 2 2 जा 4, तो 10x माइनस 14y इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 को माइनस नेगेटिव कॉमन निकाल दिया हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, मीन्स अपने पास डी मिला। ये जो ऑप्शन है अपने पास, दिस इज द ऑप्शन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एज ए रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। हियर ऑप्शन इज गिवन, आंसर ए 4/13। ना भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, ए बी सी डी जेड तक 26 है। हमें सपोज किया कभी इवेंट ए, तो ए वर्ड मैथमेटिक्स चूजन, तो ए के अंदर क्या आएगा, तो ए आएगा, सी आएगा, ई आएगा, एच आएगा, आई आएगा, एम आएगा, टी आएगा, टोटल कितना हुआ, एट हुआ।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फोर प्लस फोर एट, अपने को कितना मिल गया, एट एस है, मतलब टोटल एट मिल गया। तो अब पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो एट अपॉन 26, टू फोर जा टू 13 जा, तो आंसर मिला 4/13। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कभी यहाँ अपना सेक्शन ए जो आगे वाले लेक्चर में बाकी था, ये वीडियो में हम सेक्शन ए पूरा कर दिया। अब हम सेक्शन बी चालू करेंगे, इसके अंदर कंटिन्यूसली हम रखेंगे। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन बी ऑफ सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड 2021-2022। जो सैम्पल पेपर है इसका सेक्शन बी हम स्टार्ट करेंगे। अगर आगे वाला वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ये भूलना मत। तो वीडियो आपको मिलता रहेगा, अरे पेपर सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चन ईच ऑफ द 1 मार्क्स। वी हैव टू राइट ओनली 16 क्वेश्चन, वी हैव टू अटेम्प्ट मींस वी हैव टू राइट। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ सम ऑफ टू नंबर इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ द पेयर ऑफ सच नंबर इज डैश, ऑप्शन इज गिवन। तो क्या दिया है कि दो नंबर का एडिशन 1215 दिया हुआ है, इसमें से एचसीएफ दिया हुआ है कितना है 81। तो एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ होता है वो एक नंबर का भी फैक्टर होता है, बी नंबर का भी फैक्टर होता है, एलसीएम का भी फैक्टर होता है, सबका फैक्टर होता है। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ वन नंबर अदर नंबर एंड एलसीएम, ऑल्सो मैंने पहले बोला। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर इज 1215, तो वन नंबर ये हुआ, ये 81 ए क्यों हुआ कि 81 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, फैक्टर होगा, इसलिए हमने क्या लिखा है 81 ए। सेकंड नंबर कौन सा होगा, कभी बी के साथ मल्टीप्लाई 81 होगा, क्योंकि 81 इज फैक्टर ऑफ अदर नंबर, तो हमने लिख दिया 81 बी। 81 ए पहला नंबर का भी फैक्टर था, इसलिए ए के साथ हमने 81 को मल्टीप्लाई कर दिया। 81 दूसरे नंबर का भी फैक्टर था, इसलिए बी को भी 81 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का एडिशन कितना मिला 1215। अभी 81 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा है, ए प्लस बी इक्वल टू 1215। देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू 1215 अपॉन 81, तो 81 से 15 से कैंसिल हुआ, तो हमको क्या मिला ए प्लस बी इक्वल टू 15। तो हमको ऐसी पेयर बनाने की है जिसके अंदर ए प्लस बी इक्वल टू 15 हो जाए और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। फिर से मत लो, हमको ए एंड बी का टोटल 15 हो जाए एंड दोनों का एचसीएफ नहीं हो, ऐसी पेयर बनाने की है। सपोज एग्जांपल ए इक्वल टू 1 रख दो, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 15, तो बी इक्वल टू 15 माइनस 1 तो 14। ऐसे ए इक्वल टू 2 पुट करें तो बी इक्वल टू 13 मिलेगा, ऐसे वैल्यू पुट करते जाओ। हमने 1 रखा तो 14 मिला, 2 रखा ए इक्वल टू बी 13 मिला, ए इक्वल टू 3 रखा तो बी इक्वल टू 12 मिला, ए इक्वल टू 4 रखा बी इक्वल टू 11 मिला, ए इक्वल टू 10 रखा बी इक्वल टू 10 मिला, ए इक्वल टू 6 रखा बी इक्वल टू 9 मिला, ए इक्वल टू 7, 8 वापस 8 में रिपीटेशन होगा इसलिए हम लेते नहीं है। हम देखेंगे अभी कभी जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं हो ऐसे नंबर सिलेक्ट करने का है, ऐसी पेयर सिलेक्ट करने की है। तो 1 और 40 में ओनली 1 ही है, दूसरा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, ये को काउंट करेंगे। 2 एंड 13 के अंदर भी दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, 3 और 12 के अंदर 3 भी है 12 भी है, ये ले कॉमन निकलने वाला है 3, उनको काउंट नहीं करेंगे। 4 एंड 11, 5 एंड 10 के अंदर 10 5 फैक्टर है, 6 9 के अंदर 3 फैक्टर है, 7 8
तो 1, 2, 3, 4 फोर पेयर मिली जो है 3, 12, 5, 10, 6, 9 ये पेयर मिली। थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22। गिवन बिलो द फिगर ग्राफ ऑफ ए टू लाइन इक्वेशन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस टू लाइन एंड लाइन एक्स इक्वल टू जीरो। ये ऑप्शन इज गिवन। देखो एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स वाई एक्सिस हुआ, एक ए लाइन है दूसरी लाइन है, ये तीसरे डायग्राम दिया हुआ ही है। तो अपने को एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स वाई एक्सिस हुआ, जो ये ट्राइंगल फॉर्म होता है इसका एरिया फाइन करने का है। तो ये हाइट हो गई, ये बेस कितना हुआ, ए डी बेस हुआ, ए 4 + 2 = 6 हुआ। तो हियर ए 0 4, बी 4 0, सी 2 2, डी 0 - 2। एक्स इक्वल टू जीरो लाइन मीन्स वाई एक्सिस हुआ। तो अपने को ट्राइंगल ए बी सी के एरिया फाइन करने का है। तो एरिया के हम फॉर्मूला जानते हैं, ए डी से ए सी डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ 1 ए डी इंटू हाइट एम सी, 1/2 ए डी की वैल्यू 6 है, सी एम की वैल्यू 2 है, 2 3 जा तो 3 2 = 6 आंसर। तो एरिया ऑफ ए सी डी कितना हुआ, 6 यूनिट हुआ, तो सी इज आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इफ द 10α + cot α = 2 देन 10^20α + cot^20α = 2। या 20 जगह कोई भी पावर दिया हो बराबर, तभी हम फाइंड कर सकते हैं n पावर, 10 पावर, 99 पावर, कोई भी ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो आंसर कितना हुआ, b = 2। देन हम सब स्टार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है, 10α + cot α = 2, बट हम कॉट की वैल्यू जानते हैं 1/10α, तो हम 1/10α पुट कर दिया। 10 × 10 = 10² +1 = 2 × 10α, 2 10α के साइड चेंज कर लिया माइनस हो गया, 10² α - 2 10α + 1। एक इसके बाद मिला a² + 2ab + b² a - b² की फॉर्मूला बन गई, 10α - 1² = 0। देयरफॉर 10α - 1 = 0, तो 10α कितना हो गया, 1। तो कॉट अल्फा की वैल्यू 1/10α, 1/1 means 1। तो 1/20 कॉट की भी वैल्यू 1 है, 1/20, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो आंसर इज 2। तो कोई भी पावर दिया होता तो भी आंसर कितना मिलेगा, 2। ये आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इफ 217x + 113y = 913 एंड सेकंड इक्वेशन 131x + 217y = 827 एंड फाइंड द एक्स प्लस वाई, योर ऑप्शन इज गिवन। द आंसर इज 5। देखो क्रॉस में दिया हुआ है 217, तो यहाँ वाई में दिया हुआ है, यहाँ वाई में दिया हुआ है, जो एक्स में दिया हुआ है कोएफिशिएंट में दिया हुआ है। ऐसे क्रॉस में दिया हो तो प्लस फाइंड करने का हो तो प्लस करने का, माइनस फाइंड करना हो तो माइनस फाइंड करने का, माइनस करने का। 217x + 131y = 913। अभी हम प्लस करेंगे क्योंकि प्लस फाइंड करने का है, 131x + 217y = 827 में प्लस कर दिया, 348x + 348y = 1740। 348 कॉमन निकाला, x + y = 1740, x + y = 348 को नीचे ले गए, 348 डिवाइड किया तो कितने मिला, 5। या फिर x + y = 5, तो ऑप्शन ए इज आंसर। अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 25। द एलसीएम ऑफ 2 prime number पी एंड क्यू, वे p > q, p बड़ा है और q छोटा है, इज 221। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p - q, ऑप्शन इज गिवन। तो आंसर क्या मिला, सी 38। तो p एंड q क्या है, प्राइम नंबर फैक्टर है, तब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसमें p ज़्यादा है और q कम है, तो प्रोडक्ट ऑफ pq = 221। इसको फैक्टराइज किया तो 17 × 13 मिला,
तो पी की वैल्यू सिंपल हम जानते हैं कि पी की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए पी इक्वल टू 17 आएगा, और क्यू छोटा है तो छोटी वैल्यू क्यू इक्वल टू 13 मिलेगा। तो थ्री वी हैव टू फाइंड 3p माइनस क्यू। 3 और पी की वैल्यू हमने पुट कर दी 17, क्यू की वैल्यू 13 पुट कर दी। 17 3 जा 51 माइनस 13, 3p माइनस क्यू इक्वल टू कितना मिला 38 मिला। तो 38 इज सी ऑप्शन इज राइट। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्प्रेड डेक ऑफ द 52 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए किंग और ए क्वीन। 52 कार्ड में से एक कार्ड रैंडमली हमने सिलेक्ट कर दिया तो किंग भी नहीं है और क्वीन भी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो आंसर ऑप्शन इज अपने को दिया हुआ है, आंसर है 11/13 मिलेगा। तो टोटल कार्ड कितने हैं? 52 कार्ड ऑफ किंग एंड क्वीन। तो 4 कार्ड होते हैं किंग के, जो होते हैं मतलब किंग 4 कार्ड किंग क्वीन के होते हैं, टोटल 8 कार्ड निकल जाएंगे। तो रिमेन कार्ड कितने हुए? 52 - 8 = 44। फिर इवेंट ये सपोज कर दो सिलेक्टेड कार्ड इज नाइदर किंग और ए किंग, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 44/52 11 फोर थर्टीन, तो ऑप्शन ए इज आंसर। अभी हम 27 स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। फेयर डाइस आर रोल सिमिलेशनली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल बी कम अप एटलीस्ट वन टाइम। कम से कम 1 दफ़ा 5 आ जाए, 1 दफ़ा और 2 दफ़ा 5 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो आंसर मिलेगा बी 11/36। हम 2 डाइस का टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम मिलेगा 36, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1, ऐसे टोटल 36 मिलेगा अपने को। तो इवेंट है हम सपोज करेंगे का सिलेक्टेड 5 विल बी कम अप एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम अपने को 5 मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हमको फाइंड करने का है? तो हमको पहले में मिलेगा 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and 6 5, मीन्स 1 टाइम और 2 टाइम भी मिल जाएगा, टोटल 11 चांसेस मिले। तो पी ऑफ ए इक्वल टू 11/36 आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28। इफ 1 + sin² α = 3 sin α cos α, देन वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा आर डैश। तो कौन सी कॉट वैल्यू होगी, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर सी मिलेगा 1 and 2। नाउ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है? 1 + sin² α = 3 sin α cos α दिया हुआ है, बट हम जानते हैं कि 1 की वैल्यू क्या है, तो sin² α + cos² α ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, +sin² α = 3 sin α cos α, 1 + 1 2 sin² α + cos² α = 2 3 sin α cos α, 2 sin² α - 3 sin α cos α + cos² α = 0। अभी हम फैक्टराइज करेंगे, 2 1 जा 2 2 टाइम 2 sin² α - 2 sin α cos α - sin α cos α + cos² α = 0। फर्स्ट 2 में से 2 sin अल्फा कॉमन निकलेगा, sin α - cos α, सेकंड और थर्ड में से अब 3 और 4 में से -cos α कॉमन निकलेगा, sin α - cos α = 0। देयरफॉर sin α - cos α = 2 sin α × 2 sin α cos α = 0। देयरफॉर sin α cos α = 0 और 2 sin α - cos α = 0। देयरफॉर sin α = cos α, 2 sin α = cos α, sin/cos = 1 हो गया, sin/cos cos/sin = 1 2 हो गया, देयरफॉर cot α = 1, cos/sin cot α = 2, देयरफॉर 2 आंसर मिले, cot α = 1 and cot α = 2, ऐसे 1 and 2 ये 2 आंसर मिले, इसलिए ऑप्शन सी अपने लिए राइट आंसर मिला। अभी हम क्वेश्चन 29 स्टार्ट करेंगे। द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर
a12, b4y, cx6, d3 5. Find the value of xy. So this option is given a6 3. Here parallelogram ABCD is given. In parallelogram, diagonal bisect each other at O. AC and BD bisect each other at O. Means ये दोनों equal हो गए. ये दोनों equal हो गए. Therefore AO equal to OC, BO equal to OD. Therefore midpoint of AC equal to midpoint of BD. तो midpoint के formula जानते हैं x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. ऐसी तरह x1 plus x2 upon 2. y1 प्लस वाई टू अपॉन टू. हमने पहला कंपेयर किया x प्लस वन अपॉन टू, फोर अपॉन थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन टू. सेकंड कंपेयर किया सिक्स प्लस थ्री अपॉन टू अपॉन टू, वाई प्लस फाइव अपॉन टू. हमने क्या किया कि दोनों को कंपेयर कर दिया, पहला और सेकंड. तो x प्लस टू टू कैंसिल हो गया. x प्लस वन इक्वल टू सेवन, एक्स इक्वल टू सेवन माइनस वन इक्वल टू सिक्स. तो हमको x वैल्यू 6 मिली. 6 प्लस 2 8 इक्वल टू y प्लस 5, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3. अभी सेकंड मेथड अपने पास ये है, अभी अगर अपने को x फाइंड करना हो तो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6, तो x इक्वल टू 6 मिलेगा. y फाइंड करना है अपने को तो 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 आंसर. फिर से हमको x फाइंड करने का है तो b और d का x एडिशन करने का और a का x एडिशन माइनस करने का. y फाइंड करना है तो y का a और c का y का एडिशन करने का. 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 5, तो y इक्वल टू 3 मिलेगा. ये भी शॉर्ट मेथड है, ये भी हम कर सकते हैं. अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे. इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी. ए बी इक्वल टू 8, ए सी इक्वल टू 8, ए डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है. तो अपने को फाइंड करने का है बी डी क्या है. तो ऑप्शन दिए हुए हैं तो आंसर बी मिलेगा, 64/3. नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, एंगल ए कॉमन मिलेगा, डी एंगल जिसे गिवन में दिया है. तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए डी सी अपॉन सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी. ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू डी सी अपॉन सी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी. ए डी अपॉन ए सी सेकेंड थर्ड डी सी अपॉन सेकेंड थर्ड बी सी फर्स्ट एंड थर्ड ए सी अपॉन ए बी. हमने रख दिया. अब ए डी की वैल्यू 3 दिया है, ए सी की वैल्यू 8 दिया है. इसके हमको जरूर नहीं है, हम नहीं लिखे तो चल सकता है. इसकी वैल्यू 8 अपॉन ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8 इक्वल टू 8 अपॉन ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ए बी इक्वल टू 8 जा 64/3. डी ऑप्शन इज राइट. हम स्टार्ट करेंगे 31 नंबर. द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, द विच इज द लाइन. ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर डी 3x प्लस वाई माइनस सेवन इक्वल टू 0. हम भी डायग्राम से बताएंगे कि ए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ए है. तो ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी. नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और इक्वल पार्ट में डिवीजन करता है. देयरफॉर एम क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया. देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 3 अपॉन 2, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू की फॉर्मूला लगाई हमने. 4 माइनस 2 2, 2 अपॉन 2 मीन्स 1, 5 प्लस 8 अपॉन 2 तो 4. तो मिड वैल्यू क्या मिली, 1 एंड 4 मिली. और जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसका आंसर होगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, वाई की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू, तो प्लस 7 0 आता नहीं है. 3 इंटू 1 3 प्लस 8 11 माइनस 7 4 आता है, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता. एंड में सेटिस्फाई करता है, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 4 सेटिस्फाई द इक्वेशन. 3x प्लस वाई माइनस 7 3 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया, 0. अदर इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई. दूसरे जो इक्वेशन है
ए पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं नहीं है, इसलिए दूसरा आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या मिलेगा, तो डी इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 7। फिर से हमने क्या फाइंड कर दिया, मिड पॉइंट फाइंड कर दिया, तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, तो अपना मिड पॉइंट ए मिला। जो सब इक्वेशन के अंदर पुट कर दो जिसमें वैल्यू आंसर जीरो मिलता है, वो इसका सॉल्यूशन होगा, वो सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर वो मिलेगा। तो आंसर इज डी 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन दिया हुआ है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी बी सी का मिड पॉइंट है, हमने सी डी इक्वल टू के सपोज किया, डी बी इक्वल टू के सपोज किया, तो टोटल कितना हुआ, 2k हुआ। हमें एंगल ए सी ए डी एक्स दिया हुआ है, एंगल सी ए बी कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो ऑप्शन इज गिवन, आंसर मिलेगा बी 1/2। कैसे आंसर मिलेगा 1/2, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल टू 90, कॉट एक्स डिग्री इक्वल टू ए एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, ए सी अपॉन सी डी, तो एम अपॉन के, हमने एडजेसेंट साइड को हमने एम सपोज किया है, तो एम अपॉन के, इसी तरह कॉट वाई इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, एम अपॉन 2k, तो कॉट वाई डिग्री अपॉन कॉट एक्स डिग्री इक्वल टू कॉट वाई की वैल्यू एम अपॉन 2k, कॉट एक्स की वैल्यू एम अपॉन के, तो एम एम कैंसिल हो गया, 2k नीचे आके ऊपर गया, के कैंसिल 1/2, जब अपने को आंसर मिला कॉट वाई डिग्री प्लस कॉट एक्स डिग्री इक्वल टू 1/2 आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। द स्मॉलेस्ट नंबर विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट, ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर इज ए 13/x। सपोज 1/13 को स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल वाला पॉइंट 0.01 मिलेगा, मीन्स 1/100 मिलेगा। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 13 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा इंटू 1/100, तो 13/100 ये अपने को आंसर मिला। तो 13/100 तो कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो ऑप्शन। अभी हम 34 नंबर स्टार्ट करेंगे, तो साइड ए बी एंड बी ऑफ राइट एंगल एट बी एंड लेंथ 16 and 8, ए बी इक्वल टू 16, बी सी इक्वल टू 8 रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लॉन्गेस्ट स्क्वायर, सबसे बड़ा जो स्क्वायर बनेगा इसकी लेंथ कितनी होगी। सपोज हमने यहाँ स्क्वायर बना दिया, ने सपोज किया कि इसकी लेंथ एक्स है, तो आंसर मिलेगा बी 16/3। तो हम देखते हैं कैसे आंसर मिलता है, तो बी जी डी एफ इज ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ द ईच साइड इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू 8, जी इक्वल टू 8 माइनस एक्स, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड डी जी ई, ए बी ई एंड डी जी ई आर सिमिलर, देयर 90, ए बी 90, दिस इज कॉमन एंगल बाय बाय एंगल, तो टू ट्राइंगल आर सिमिलर, देयरफॉर ए बी सी सिमिलर डी जी ई, देयरफॉर ए बी अपॉन डी जी, बी सी अपॉन जी, ए सी अपॉन डी ई, तो ए बी अपॉन जी, बी सी अपॉन जी, ए ई अपॉन डी, तो ए बी अपॉन डी जी की वैल्यू हमने दी है 16/x इक्वल टू 8/8 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 8 माइनस एक्स इक्वल टू 8x मिला, या पर 16 8 जा तो 128 माइनस 16 × x 16x इक्वल टू क्या मिलेगा अपने पास, 8x मिला, तो 128 इक्वल टू 8x प्लस 16x मीन 24x, तो 24x इक्वल टू 128, तो x की वैल्यू कितनी मिली अपने पास, 128 को 24 से डिवाइड कर दिया बराबर, तो 8 3 जा 16 8 जा तो 16/3, तो x इक्वल टू 16/3, हमने x क्या सपोज किया था, लेंथ ऑफ साइड, देयरफॉर आंसर इज बी 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करेंगे। पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द आर -1 3
and as 9,8 in ratio k is to 1. P lies on the line x minus y plus 2 equal to 0. Find the value of k. Option is given. The answer is 8, 2 by 3 is answer. Now, हम start करेंगे. देखो, R को भी coordinate दिया है, minus 1, 3. S के भी coordinate दिया हुए, 9, 8. हमको line segment join कर दिया. P point ऐसा है कि जो से k ratio 1 में divide करता है. तो P x y divide R s in ratio k is to 1. तो R को हम x1 y1 लेंगे, s कोऑर्डिनेट टू x2 y2 लेंगे. यू नो द फॉर्मूला, x इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, y इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1. ये क्या है, ये फॉर्मूला है. तो लैम्डा रेशियो 1 होगा तो लैम्डा लिखने का, k रेशियो 1 तो k लिखने का, m रेशियो 1 तो m लिखने का. k इंटू x2 की वैल्यू 9, x2 की वैल्यू 9, x1 में वैल्यू माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, y k इंटू y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 3 अपॉन k प्लस 1. तो x की वैल्यू क्या मिली अपने पास, 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 ऐसी वैल्यू मिली. y की वैल्यू क्या मिली, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 मिली. बट हम जानते हैं कभी p पॉइंट ए x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0 पे आया हुआ है. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू 9k माइनस 1, y की वैल्यू 8k प्लस 1 8k प्लस 3 अपॉन k अपॉन 1. ये पुट करेंगे हम तो हमको k की वैल्यू आराम से हमको मिल जाएगी, क्योंकि a पॉइंट लाइन पे आया हुआ है. तो हमने x की वैल्यू 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 पुट कर दिया, माइनस y की वैल्यू 8k प्लस 3 अपॉन 3 पुट कर दिया, प्लस 2 हमने k प्लस 1 एलसीएम लिया, 9k माइनस 1 माइनस 8k या नेगेटिव, इसलिए साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 3 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3, 2 इंटू के 2k, 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई के प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 0. देखो 9k माइनस 8k प्लस 2k 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू 2, या फिर k इक्वल कितना मिला, 2 अपॉन 3, विच इज द आंसर. हम क्वेश्चन नंबर 37 सेकंड टाइम स्टार्ट करेंगे. टोटल 5 रिंग्स दी है, सबकी रेडियस 1 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 1 है. तो ये क्या बन गया अपने पास, इतना पोर्शन, तो माइनस सेगमेंट मिल गया. एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट के हम फॉर्मूला जानते हैं, कभी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑप्शन दिए हुए हैं. तो रेडियस ऑफ ईच रिंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए बी लेंथ ऑफ क्वाड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ कितने माइनस सेगमेंट है, 8 है, एंगल ए बी कितने हो गए, 60 है. नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन इक्वल टू 8 टाइम माइनस सेगमेंट, 8 इंटू एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. अपने पास अपने ये है 8 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस रूट थ्री अपॉन साइड स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दी, तो 60 सिक जा, तो 8 इंटू पाई अपॉन 6 माइनस रूट थ्री अपॉन 4 इंटू 1 रूट थ्री अपॉन 4. तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन इक्वल टू 8 इंटू इन ब्रैकेट पाई अपॉन 6 माइनस रूट थ्री अपॉन 4. अब हम क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट करेंगे. इफ 2n 1 अपॉन 2 आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड r. तो ऑप्शन बी, p इक्वल टू r इक्वल टू माइनस 2 आंसर मिलेगा. पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r इक्वल टू 0, अपने को जो पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया हुआ है, और जीरो जो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 पुट कर दो. हम दो जीरो दिए, एक 2 दिया हुआ है, तो हम x की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो p इंटू 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल टू 0, तो 2 टू जा 4, 4 इन p प्लस 5 टू जा 10 प्लस r, तो 4p प्लस r इक्वल टू माइनस 10 इक्वेशन नंबर 1.
अभी एक्स इक्वल वन अपॉइंट टू पुट करेंगे, पी इंटू वन अपॉइंट टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन अपॉइंट टू प्लस आर इक्वल टू जीरो, पी अपॉन फोर टू स्क्वायर फोर, पी अपॉन फोर फाइव अपॉन टू प्लस आर इक्वल टू जीरो, नौ वीट का एलसीएम लेंगे, पी प्लस फाइव टू जीरो टेन प्लस फोर आर इक्वल टू जीरो इंटू फोर जीरो, एफ पी प्लस फोर आर इक्वल टू माइनस टेन, हमको इक्वेशन नंबर सेकंड मिला। अभी हम क्या करेंगे, विद हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन हम फाइंड कर लेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड आर। तो 16 पी प्लस फोर आर इक्वल टू माइनस फोर्टी, पी प्लस फोर आर इक्वल टू माइनस टेन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया तब फोर आर इक्वल हो गया, तो साइन चेंज कर दी माइनस कर दिया, तो माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल हो गया, 16 माइनस फाइव पी तो 15 पी इक्वल टू 30, माइनस 30 पी इक्वल टू माइनस 30 अपन 15 तो पी इक्वल टू माइनस टू। अभी माइनस टू की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो पी प्लस फोर आर इक्वल टू माइनस टेन, माइनस टू प्लस फोर आर इक्वल टू माइनस टेन, माइनस फोर आर इक्वल टू माइनस टेन प्लस टू, फोर आर इक्वल टू माइनस एट, आर इक्वल टू एट माइनस एट अपन फोर तो माइनस टू। तो हमको आर की वैल्यू कितनी मिली तो माइनस टू, तो पी की वैल्यू भी माइनस टू मिली, आर की भी वैल्यू माइनस टू मिली, तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो बी ऑप्शन पी इक्वल टू आर इक्वल टू माइनस टू आंसर। हम स्टार्ट करेंगे 39 क्वेश्चन। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर आया हुआ है इसकी लेंथ फाइंड करने की है, ऑप्शन दी है, तो आंसर मिलेगा अपने को सी 50√2/5। वी नो द फॉर्मूला, हम फॉर्मूला जानते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो पाई इंटू डी और 2πr हम दोनों लिख सकते हैं, तो पाई इंटू डायामीटर ये फॉर्मूला है इक्वल टू 100, तो डायामीटर कितना हो गया 100/5, तो ये पूरा डायामीटर ए सी डायामीटर है, तो ए सी इक्वल टू 100/5 मिल गया। नाउ ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, लेट ए बी इक्वल टू एक्स सपोज किया, बी सी बोलो एक्स सपोज किया, तो ए पाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 100/5 होल स्क्वेयर। नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कितना हुआ, तो 2x स्क्वेयर हुआ, 2x स्क्वेयर इक्वल टू 100/5 स्क्वेयर, तो 2 को नीचे लाए तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 100/2π स्क्वेयर, हम दोनों साइड स्क्वेयर रूट ले लिया तो x इक्वल टू क्या मिला अपने पास, x इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 100/2π स्क्वेयर, 100 स्क्वेयर का रूट 100 मिलेगा, 2 का रूट 2 मिलेगा, पाई स्क्वेयर का पाई, तो हमें एक कॉन्जुगेट ले लिया तो 100√2/√2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमें इसको दे कॉन्जुगेट, तो 100√2/√2 × √2 2π, तो 15 जा तो 50√2/5, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड इज 50√2/5 मींस आंसर, तो आंसर इज सी इज राइट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 3x + y इक्वल टू 243 एंड 243x - y इक्वल टू 3 इज डैश, इसका आंसर क्या होगा, वो हमको निकालने का है। कभी x और y का सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन हो गए, मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का है। हम स्टार्ट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, मतलब बराबर कभी b आंसर मिलेगा वन एंड ओनली वन, हियर आंसर इज बी वन। नाउ गिवन क्या, हमने क्या दिया हुआ है, 3x + x + y इक्वल टू 243 दिया हुआ है, तो 3x + x + y इक्वल टू 243 को फैक्टराइज किया तो 3x5 मिला, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 तो 5 टाइम कर लो 3x5 हो गया, तो बेस इक्वल है, यहाँ पर x + y इक्वल टू क्या मिला 5 मिला। फिर 243√x - y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, बट 243 क्या है तो 3√5 है, तो 3√5 ब्रैकेट x + y - y इक्वल टू 3√1 लिया, देव 5 ब्रैकेट x - y इक्वल टू 1, देव 5x - 5y इक्वल टू 1 मिला। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास ये है x + y इक्वल टू 5x - y = 1, 1 इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया,
कि भाई एलिमिनेशन करने के लिए तो 5x + 5y = 25, 5x - 5y = 1, +5y cancel 5 + 5 10, 25 + 1 = 26, x = 26/10 मीन्स 13/5। एक्स वैल्यू ये मिली, वाई कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, x + y = 5 के अंदर पुट कर दिया, 13/5 + y = 5, यहाँ पर y = 5 - 13/5 न क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 = 25 - 13/5 तो 12/5 मिला, तो x = 13/5, y = 12/5, ये पॉइंट इंटरसेक्शन मिला, मीन्स वन सॉल्यूशन मिला इंटरसेक्शन पॉइंट पर। जो सी इससे भी इजी मेथड है, तो सेकंड मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो अपने को बिल्कुल इजी लगेगा। तो दो इक्वेशन तो हमने फाइंड कर दिया है, कभी x + y - 5 = 0 ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो 5x - 5y - 1 = 0 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो कंपेयर विद a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0, तो a1 = 1 b1 = 1 c1 = -5, a2 = 5 b2 = -5, c2 = -1। ये पर a1/a2 = 1/5, b1/b2 = -1/5, तो 1/a1/a2 ≠ b1/b2। दिस इज द कंडीशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिलेगा। अगर हमने यहाँ सैंपल स्टैंडर्ड पेपर के सेक्शन भी पूरा करते हैं, अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। अभी सेक्शन COD बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो के हम सेक्शन COD पुट करेंगे। इसी तरह मैथ्स और साइंस के पेपर रखते रहेंगे हम, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।